हेलो, आज हम बना रहे हैं स्वीट पोटैटो की खीर यानी शकरकंदी की खीर। तो ये हमने आधा किलो शकरकंद लिया है, जिसको हम वॉश करके बॉईल कर लेंगे 2 विसल। ये हमने स्वीट पोटैटो अपना बॉईल करके रख लिया है। हम इसको पील करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए इसके लिए वो है शुगर 1 बाउल, ये आलमंड एंड कैश्यू हमने चॉप करके रखे हैं, ये है पिस्ता मैंने फाइन चॉप करके रखा है, इलायची पाउडर और ये है केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस या रोज एसेंस आपके ऊपर है, जो सा भी आप डालना चाहें डाल लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस, और हमें चाहिए मिल्क। मिल्क देखिए हमने ऑलरेडी बॉइलिंग पे रख दिया है, हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है। 1 लीटर मिल्क है ये, और ये 1/2 लीटर स्वीट पोटैटो है शकरकंद। ये हम इसको पील करेंगे, पील करके फिर हम इसको मैश करेंगे। हमने बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया है, नहीं तो फिर हमको इसको छीलने में दिक्कत होगी। अब ये अच्छा बॉयल होके पूरा आराम से आप हाथ से छील सकते हैं। नाइफ से भी आप छील लेंगे, जल्दी छिल जाएगा आराम से। देखिए ये हमने पूरा पील कर लिया है। हम इसके छोटे छोटे ऐसे राउंड स्लाइस काट लेंगे ताकि हमें मैश करने भी इजी हो। फोर्क लेंगे, फोर्क से ऐसे इसको इजीली मैश कर देंगे, या आपके पास मैशर है तो आप मैशर से भी इजी इसको मैश कर सकते हैं। ये 2 विसिल में बॉयल हो गया है, 2 विसिल दिया मैंने इसको, फिर इसको स्ट्रेन करके रख दिया ठंडा होने के लिए, ताकि फिर हम छील के इसको ऐसे आराम से मैश कर सकें। देखिए ये हमारा अच्छे से मैश हो गया है फोर्क से। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले जो हमारा मिल्क गर्म हो रहा है थोड़ा सा हम इसमें, इससे 2-3 स्पून मिल्क डालेंगे इसमें। और इसको थोड़ा मैश करके फिर उसे मिक्स करेंगे। पूरा हम डालेंगे तो हो सकता है एक साथ मिक्स ना हो अच्छे से, इसलिए हम पहले थोड़ा सा ऐसे इसको दूध के साथ ये मिक्स करके हम इसको इसमें दूध में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिलाते रहेंगे। एक साथ पूरा मत डालिएगा, इसमें लम्स बनने का रहेगा डर, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें हल्के हल्के हाथों से, तो ऐसे आपको बनाना इजी होगा। अभी हमने फ्लेम लो किया हुआ है मिलाने के लिए, जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसकी फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे। एक बॉयल आने के बाद फिर थोड़ा सा फ्लेम सिम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये हमारा ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया दूध में, तो हम इसको फ्लेम को हाई कर देंगे, एक बॉयल आने देंगे। कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि ये नीचे ना बैठे, लगे नहीं। ये दूध हमने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था, हमारा दूध अच्छा पक गया था, ठीक हो गया था। ये मेरी मम्मी की स्पेशल डिश है,
वो थी तो बनाया करती थी अक्सर, तो हम सबको बहुत, भाई बहन को हम सबको बहुत पसंद थी। आज ये समझिए कि मैं ये डिश अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रही हूँ। उनके हाथ की खीर बहुत अच्छी होती थी। आज देखिए मैं बना रही हूँ कैसी होगी। मैं भी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। देखिए अब बॉयल आने लगा है जी। हाँ तो अब हम इस टाइम इसमें शुगर डाल देंगे। ये हमने 1 बाउल शुगर लिया है। ये इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा सब अच्छे से पकता रहे, कुछ नीचे जमे नहीं, क्योंकि शकरकंद थोड़ा नीचे बैठने का रहता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा चलाते रहें, हिलाते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने शुगर पहले थोड़ा कम डाला था, पूरा बाउल नहीं डाला था कि कभी ज़्यादा स्वीट हो जाए, क्योंकि स्वीट पोटैटो भी ऑलरेडी स्वीट होता है इसीलिए। लेकिन अब पूरा एक बाउल, छोटा एक बाउल ही डल जाएगा इसमें शुगर, सही आएगा। बस ऐसे ही हिलाते रहेंगे, करीब 5 मिनट इसको पकाएंगे, बस हमारी खीर तैयार हो जाएगी। ठंडी होने के बाद ये अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। ऐसे हिलाते हिलाते हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है, हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है और ये पूरा पक गई है, मिक्स हो गई है। अभी मैं फ्लेम लो करेंगे और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, हमने काजू बादाम काट के रखे हैं, ये थोड़ा डाल देंगे। थोड़ा हम ड्रेसिंग के लिए रखेंगे। और ये इलायची पाउडर डाल देंगे। बस अब हमारी खीर तैयार हो गई है। ठंडा होने के बाद ही थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी। हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद थोड़ा देर फ्रीज में रखेंगे। ठंडी होके ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे आपकी चॉइस है, आप गर्म खाना चाहें तो गर्म खाएं, पर इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है ठंडा होके। तो थोड़ा देर अगर आप फ्रीज में रख के खाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। चलिए अभी बाद में इसको सर्व करेंगे। अभी थोड़ा सा हम इसको, अभी हमारी खीर तैयार हो गई है, इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर हम इसको आने देंगे, तब फिर सर्व करेंगे। देखिए हमारी खीर रूम टेम्परेचर पर आ गई है, इतनी थिक भी हो गई है अभी ये। अभी हम इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल देंगे। और इसको अच्छे से, खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरा। हम इसको सर्व करेंगे, एक बाउल लेंगे उसमें निकालेंगे। इसमें ड्रेसिंग करेंगे, थोड़ा सा आलमंड के शुरू में पास बचा हुआ है हम इसमें पास डाल देंगे, थोड़ा पिस्ता डालेंगे। और बस
ये हमारी खीर तैयार हो गई है। ये हमारी खीर तैयार हो गई है। चलिए अब आप भी बनाइए इसको ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, और इसको बना के खाइए, फिर देखिए कैसी लगी। उम्मीद है आपको भी ज़रूर अच्छी पसंद आएगी। अभी हम इसको थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज में रखिए और अच्छी सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद भी एक व्यू हम आपको देंगे फ्रीज में रखने के बाद। देखिए ये भी हमारी, हमने भी इसको फ्रीज से निकाला है, एक 1.5-2 घंटा करीब हमारी खीर फ्रीज में थी। अभी देखिए कितनी ठीक हो गई है, देखिए। और खाने में भी अब इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया होगा, बहुत तो अच्छी लगती है। अब आप बनाएं प्लीज़, इसको बना के खाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे एंकरेज करें ताकि मैं नई नई वीडियो आपके साथ अच्छी अच्छी अलग से शेयर कर सकूं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।